ऑलराइट, तो क्या हालचाल मेरे प्यारे भाइयों। सो गाइस, कलर ग्रेडिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है और वो जो वीडियोस है वो मैंने एलाइट मोशन ऐप से बताया कि कैसे करना है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एलाइट मोशन से नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों एलाइट मोशन से जो होती है ना वो थोड़ा हार्डली हो जाती है, मतलब कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती कि एलाइट मोशन चलाना कैसे है, यूज़ करना भी थोड़ा हार्ड हो जाती है। तो आज आपका भाई कैपकट एप्लीकेशन से बताएंगे कि कैसे आप लोगों को कलर ग्रेडिंग करना है, जो कि काफ़ी सही लगता है देखने में और कैपकट एप्लीकेशन से काफ़ी ईजी हो जाती है। सो अगर आप लोग इंडिया से हो तो कैपकट एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए आपको VPN डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले VPN को कनेक्ट कर लो, तो मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहो। तो फिर मीनू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर कोई भी वीडियो ले लेता हूँ, तो ये वाला बंदी का वीडियो ले लेता हूँ, क्योंकि बंदी का वीडियो में ही काफ़ी सही लगता है देखने में कलर ग्रेडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर बंदी की वीडियो ऐड हो चुकी है, आप देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो देखो वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है, आप दोस्तों नीचे का एक ऑप्शन देखा जाएगा इफेक्ट का, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो। तो इफेक्ट पर क्लिक करो, फिर वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करो, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहो। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखा जाएगा, तो थोड़ा लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखा जाएगा कॉमिक का, ठीक है ना। तो कॉमिक वाले सेक्शन पर क्लिक करो और इस सेक्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देखा जाएगा B&W कॉमिक, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट पर टैप कर देना। टैप करने के बाद आपको इसको पूरा वीडियो पे ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर मैं टाइम लाइन पर पूरा वीडियो को ऐड कर लेता हूँ लाइक इतना, ठीक है ना। और लास्ट में जो आपको वाटरमार्क दिख रही है इसको डिलीट कर देना, ठीक है ना, इसको डिलीट करने का। तो यहाँ पर मेरा वीडियो में फर्स्ट जो इफेक्ट है वो ऐड हो चुकी है, आपको फिर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करो ना। उसके बाद आपको फिर से आप लोगों को यहाँ पर बेसिक वाले सेक्शन पर जाना है, तो ये फर्स्ट पे ही मिल जाती है। तो बेसिक वाले सेक्शन पर जाने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लर का, ठीक है ना, ये वाला जैसे कि देख सकते हो। तो ब्लर पर क्लिक करो एंड राइट साइड पर टैप कर देना है बस। अब इसको भी आप लोगों को पूरा टाइम लाइन पर ऐड कर देना है कुछ इस टाइप का। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो को जो है वो एक्सपोर्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो गाइस एक्सपोर्ट हो चुकी है वो वाला वीडियो। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फिर से आप लोगों को एक इफेक्ट को ऐड करना है। तो मैंने सबसे पहले जो इफेक्ट ऐड किया है B&W कॉमिक, जो जैसे कि देख सकते हो। तो इस वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो रिप्लेस इफेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको नियन वाला सेक्शन पर जाना है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट वाले मैंने कॉमिक वाला सेक्शन पर गया था तो उसी पर जाना है। तो यहाँ पर कॉमिक वाले सेक्शन कहाँ, यहाँ कॉमिक वाले सेक्शन पर आने के बाद नीचे जाना है एंड नियन का ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे वाले, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड पर टैप कर देना है, ठीक है ना। तो ये वाला वीडियो मतलब कि जो इफेक्ट है ये ऐड हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करने के, फिर से आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस दोनों वीडियो मेरा एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब मैं इसको क्या करूँगा फिर से बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आपको दोनों के दोनों जो इफेक्ट दिख रही है इसको डिलीट कर दो, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। आप दोनों को डिलीट करने के बाद सबसे पहले आपको उस वाले वीडियो को ऐड करना है जो आपने पहले ही मतलब कि एक्सपोर्ट किया था। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ओवरलैप वाले सेक्शन पे जाता हूँ एंड ऐड ओवरलैप पे। उसके बाद आपको ये वाले वीडियो को ऐड कर लेना है सबसे पहले पे आप लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसी को एक्सपोर्ट किया था, ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो इसको क्या करना है कि इसको एडजस्ट कर लेना, अपने वीडियो को पूरा कर लेना है। सो इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखा देगा स्प्लाइस की, जैसे कि देख सकते हो। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एकदम लास्ट पे आना है। लास्ट पे आने के बाद एक ऑप्शन देखा देगा बर्न, ठीक है ना, जैसे कि देख सकते हो। इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट इतना कर लेता हूँ, तो आपको कम से कम 50+ ही रखना है ताकि वीडियो काफ़ी सही लग जाए देखने में और स्मूथ हो सके, ठीक है। और मैं बिफोर आफ्टर यहाँ पर मैं आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगा। तो 50 इतना कर लेता हूँ एंड फिर से टैप करता हूँ। अब उसके बाद फिर से आपको उस वाले वीडियो कट करना है जो सेकंड में आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया होगा। तो उसके लिए फिर ऐड ओवरले पर क्लिक करना है, फिर इस वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो इस वाले वीडियो को ऐड करने के बाद आपको फिर से इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एकदम राइट साइड पर आना है एंड लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे कि देख सकते हो डॉज, जैसे कि देख सकते हो। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करना है या फिर कलर ब्रांड पर क्लिक करो, जैसे भी आप लोग चाहते हो कर सकते हो। तो मैं डॉज वाले पर क्लिक कर लेता हूँ एंड इसको इतना कर लेना, ठीक है ना। तो इतना कर लाइक इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इतना आपको खुद से एडजस्ट करें जो आपका वीडियो कैसा है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मेरा वीडियो काफ़ी सही लग रहा है देखने में, मतलब कि स्मूथ हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपका मन जो है वो संतुष्टि हो सके। तो यहाँ पर मैं इफेक्ट जो यहाँ पर मैं इतना कर लेता हूँ, ये जो वीडियो है यहाँ पर मैं स्प्लिट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बिफोर आफ्टर भी दिखा सकूँ। तो इस वाले वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट, फिर इसको भी डिलीट।
सो पहले मेरा वीडियो कुछ इस टाइप का है और अभी मैंने जो इफेक्ट लगाया कुछ इस टाइप का। तो ये जो वीडियो है मैंने जो इफेक्ट लगाया है ये काफ़ी स्मूथ दिख रही है जैसे कि देख सकते हो, और पहले का वीडियो जो कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ यहाँ पर मतलब कि इफेक्ट वगैरह ऐड किया था तो आप लोग तो शायद भूल चुके होंगे, तो फिर से आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा और यहाँ पर अपने वीडियो को क्रिएट कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आगे भी मैं इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।